हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सा, एकदम मार्केट जैसा, डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा, उसकी रेसिपी। तो इसे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस से। इसके लिए देखिए, मैंने ले ली है मेयो, ये ले लिया है पिज़्ज़ा बेस, थोड़ी सी ले ली है मैंने ये शेजवान सॉस, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लेंगे, थोड़ा सा टमाटो सॉस भी हम इस पर यूज़ करेंगे। इसके साथ ही देखिए, ये ले लिया है मैंने पिज़्ज़ा बेस। सबसे पहले इस पर हम डालेंगे शेजवान सॉस, उसके बाद पिज़्ज़ा बेस, मेयो, टमाटो सॉस, सारी चीज़ें डालकर ना हम इस पे मिक्स कर लेंगे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। चाहें तो आप एक कटोरी में सारी चीज़ें पहले से मिक्स करके रख सकते हैं। मैं बेस के ऊपर ही सारी चीज़ें डाल रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करके हमें फैला लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से फैलाने के बाद हम इस पर लगाएंगे अपनी जो सब्जियां हैं। तो मैंने ली है शिमला मिर्ची, इसके साथ ही गाजर, टमाटर और कॉर्न। आप चाहें तो प्याज ले सकते हैं, या फिर आप एक किसी भी सब्जी से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन मैं सारी चीज़ें मिक्स करके लगा रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ों का फ्लेवर इसमें आता है। तो सारी चीज़ें हम अच्छे से इस पर लगा लेंगे, जैसे चाहें वैसे। मैं थोड़ा सा एकदम डिज़ाइन वाली के तरीके से लगा रही हूँ, एक शिमला मिर्ची, गाजर, टमाटर, इस तरीके से। आप चाहें तो ऐसे भी छोटा छोटा इनको करके और इसके ऊपर ऐसे ही डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है एक चीज़ स्लाइस, इसको मैं छोटा छोटा तोड़कर इसके ऊपर रख दूंगी। और इसके साथ ही हम लेंगे फिर मोज़रेला चीज़, उसको करेंगे हम कद्दूकस। अच्छे से भर भर के हमें चीज़ डालना है, तभी मज़ा है पिज़्ज़ा का। तो बस चीज़ अच्छे से मैं डाल दूंगी खूब सारा। चीज़ डालने के बाद हम इस पर ऊपर से डालेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब, और थोड़ी सी डाल देंगे टमाटो सॉस इसके ऊपर से। इस तरीके से ना बहुत अच्छी लगती है, ऊपर का जो जो सब्जियां है ना उनका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, थोड़ा मीठा सा। तो कढ़ाई ले लेंगे और इसको हमें पहले से थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इसको हल्का सा ना नीचे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, उसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा रख देंगे और इसे कर देंगे कवर। साथ ही चीज़ के मेल्ट होने का हमें वेट करना है। तीन चार मिनट में ही हम देखेंगे कि चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो गैस कर देंगे बंद और इसको हम निकाल लेंगे आराम से। और आप चाहें तो ये जो सब्जियां हैं ना इनको हल्का सा फ्राई करके भी इसके ऊपर फैला सकते हैं। तो बस अब कर लेना है हमें इसे कट, चार पीस में हम इसे कट कर लेंगे। और उसके बाद चलिए चलते हैं अब इसे सर्व करने की प्रोसेस में।
तो देखिए हमारा ये सुपर टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो है ना बनाना कितना आसान। तो बस आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका पिज़्ज़ा एकदम मार्केट जैसा बनेगा। टॉपिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कैसा बनाना है, चीज़ का बनाना है, कॉर्न का बनाना है। तो चलिए वीडियो, अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।